हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस में। और आशा करता हूं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं सौरभ पांडे आपका स्वागत करता हूं द हिंदू के जो हम डेली MCQ करते हैं नॉलेज हाउस में, उसके लिए। ठीक है, तो आज 16 जून है दोस्तों, आप सभी को ईद मुबारक नॉलेज हाउस की तरफ से। और चलिए हम शुरू करते हैं आज का MCQ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स। SCO केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2001। फाउंडिंग कंट्रीज वर चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, बिलुआस, ईरान, बेलारूस है ये दोस्तों, ईरान एंड मंगोलिया हैव ऑब्जर्वर स्टेटस इन SCO। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपके ऑप्शंस हैं, पहला बी है पहला और दूसरा, सी है दूसरा और तीसरा, डी है सारे स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम देते हैं हम। SCO दोस्तों अभी हुई थी रिसेंटली, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे और इंडिया और पाकिस्तान को रिसेंटली अभी मेंबर स्टेटस मिला है, उससे पहले हम भी ऑब्जर्वर स्टेटस था। ठीक है, तो इसका जवाब है दोस्तों बी, नहीं दोस्तों इसका जवाब है डी। ठीक है, इसमें ये सारे सही हैं, इसमें यहाँ मिस्टेक हो गई है एक, इसमें सारे सही हैं दोस्तों। तो SCO एग्जिस्टेंस में आया था 2001 में, उज्बेकिस्तान है, ठीक है, और अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया हैव ऑब्जर्वर स्टेटस। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमिटी ऑफ 1927 वॉज टू। पहला है डिफाइन करना ज्यूरिसडिक्शन सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, दूसरा ऑप्शन है डिफाइन द पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तीसरा ऑप्शन है इम्पोज करना सेंसरशिप ऑन नेशनल प्रेस, और डी इम्प्रूव करना रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट। इसका आंसर है दोस्तों डी, ये इम्प्रूव कर रहे थे स्टेटस ऑफ जो था, जो टाइम पे करंट सिचुएशन आ गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी स्टेट्स में जो रिलेशन थे। तो देखिए, द इंडियन स्टेट्स कमिटी अपॉइंटेड अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर हार्कर्ट बटलर, which was popularly known as Butler Committee, to investigate and clarify the relationship between the paramount power and the princes of princely states in AD 1927. Committee visited 16 states and submitted its report in 1929. ठीक है, who drafted the resolution on fundamental rights for the Karachi session of Congress in 1931? दोस्तों ये question बहुत ज़्यादा important है और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन हर किसी को आता होगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, हम पढ़ते रहते हैं इसके बारे में हमेशा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। कराची सेशन प्रिसाइड किया था सरदार पटेल ने, और कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था रिजोल्यूशन फंडामेंटल राइट पे, इकोनॉमिक पॉलिसी पे, और ये किया गया था नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, अब हम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। आपके ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोकल गवर्नमेंट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट टीयर इन द फेडरल सिस्टम, 30% ऑफ द सीट्स इन लोकल बॉडीज आर रिजर्व फॉर वुमेन, लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसेस आर टू बी प्रोवाइडेड बाय अ कमीशन, इलेक्शन टू लोकल बॉडीज आर टू बी डिटरमाइंड बाय अ कमीशन। इसमें आपका सही जवाब है बी, 33% है दोस्तों, ना कि 30% है। यहाँ पे आपको बहुत टेक्निकल है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्या है सही जवाब। तो दोस्तों देखिए, 73rd अमेंडमेंट में ये है 243 आर्टिकल जो है उसमें ये दिया हुआ है 33% ऑफ सीट टू बी रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज। द सेंसेशनल मनु भाकर वॉज इन न्यूज इन मार्च 2018, द रीजन क्या था? उन्होंने वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में इंडिविजुअल गोल्ड जीता है वर्ल्ड कप में। ठीक है, शी वन गोल्ड मेडल इन मिक्स टीम इवेंट इन द ISSF वर्ल्ड में। ठीक है, वर्ल्ड कप मतलब, इसका बोथ ए और बी सही है या दोनों सही नहीं है? ठीक है, इसका जवाब है दोस्तों ए, उन्होंने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल गोल्ड। ठीक है दोस्तों, अब ये स्टेटमेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस रिगार्डिंग महात्मा गांधी, इट वॉज इन साउथ अफ्रीका दैट महात्मा गांधी फर्स्ट फॉज्ड the distinctive techniques of non-violent protest known as satyagraha, first promoted harmony between religion
and first alerted upper caste Indians to the their discriminatory treatment of low caste and women. On Gokhale's advice, Gandhiji spent a year traveling around British India and getting to know the land and its people. It was Rowlatt Satyagraha that made Gandhiji a truly national leader. Emboldened by its success, Gandhiji called for a campaign of non-cooperation with British rule. तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 1 and 2, 3 only, 2 and 3 and 1, 2, 3. इसका सही जवाब है दोस्तों सी 2 and 3. ठीक है दोस्तों, गांधी जी रॉलेट एक्ट में, रॉलेट एक्ट जब आया था उसके बाद सत्याग्रह उन्होंने किया था, साउथ अफ्रीका में भी किया था, लेकिन जो ऑप्शन है वो शायद गलत है. ठीक है, तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है दोस्तों. आज के लिए इतना काफ़ी था, कल से फिर मिलेंगे हम, और कल से कोशिश होगी हमारी कि हम आपके लिए जल्दी से लेके आएँ. थैंक यू दोस्तों.